में सम्मान बढ़ाई, भारत के अंदर सुरक्षा की स्थिति बेहतर हुई है। मोदी जी के प्रबंधन और नेतृत्व का लोहा इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान भी दुनिया ने देखा। अभी दो दिन पहले की घटना है, ब्रिटेन का सबसे प्रतिष्ठित समाचार पत्र है द गार्डियन, और द गार्डियन ने अपने एक वहां पे न्यूज छपी है, और न्यूज ये छपी है कि पाकिस्तान के अंदर दो वर्ष पहले वहां पर 20 आतंकवादी मारे गए। आतंकवाद मरने के पीछे का स्रोत द गार्डियन को कहां से प्राप्त हुआ है यह वह समाचार पत्र ही जाने, लेकिन एक बात तय है कि बहनों और भाइयों, भारत का आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, पुलवामा की घटना के बाद भारत ने जो कहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा था कि भारत माता के सपूतों का बलिदान व्यर्थ में नहीं जाएगा, और भारत आज दुनिया का वह देश है जो दुश्मन की माद में घुस करके उसे ठिकाना लगाना जानता है, और यह कार्य भारत ने एयर स्ट्राइक के माध्यम से करके दिखाया था। आज दुनिया के अंदर आप देख रहे होंगे तमाम देश भारत क्या अनुसरण कर रहे हैं, और अनुसरण ही नहीं कर रहे हैं बल्कि यह भी तय कर रहे हैं। लोगों के लिए कौतूहलस्य आश्चर्य का विषय है, भारत की सबसे उभरती हुई दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत दुनिया के अंदर सबसे अधिक रोजगार देने वाला देश, फ्री में 80 करोड़ लोगों को राशन देने वाला देश, 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देने वाला देश, 4 लाख गरीबों को फ्री में आवास दिलाने वाला देश, 10 करोड़ महिलाओं को फ्री में रसोई गैस का कनेक्शन देने वाला देश, 2.5 करोड़ गरीबों के घर में बिजली का फ्री में कनेक्शन देने वाला देश, यह मोदी जी के नेतृत्व में केवल भारत में संभव हो पाया है। और बहनों और भाइयों, आप सब जानते हैं इससे पहले लोग तरसते थे, गन्ने का कीमत 10-10 साल लगते थे, 5-5 साल लगते थे, गन्ना किसान गन्ना तो दे देता था लेकिन मूल्य का भुगतान नहीं हो पाता था, किसान को पैसा लेना पड़ता था, साहकारों से सूद में पैसा लेना पड़ता था। हमने सुनिश्चित किया है 120 चीनी मिलों में से 105 चीनी मिलें एक सप्ताह के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही हैं, जो बाकी 15 हैं इनके भी पेच कसे जा रहे हैं कि हम उसी को चलाने देंगे जो समय पे गन्ना मूल्य का भुगतान करेगा, जो नहीं करेगा उसका नीलाम करके अन्नदाता किसान को ही फैक्ट्री का मालिक बना देंगे। बहनों और भाइयों, बिजनौर में भी विकास हो, महात्मा विदुर की धरती भी विकास के साथ जुड़े, यह भी एनडीए की भाजपा की सरकार ने ही किया। महात्मा विदुर के नाम पे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे यहां के हाईवे हो, आज आप देख रहे होंगे वर्ल्ड क्लास हाईवे हमारे बिजनौर जनपद में भी बन रहे हैं। गंगा मैया यहां की आत्मा है, अब गंगा मैया की शुद्धि के लिए भी नमामि गंगे जैसी परियोजनाएं चल रही हैं। आप याद करिए, मैं स्वयं बिजनौर में आया था गंगा यात्रा निकालने के लिए, और बिजनौर से लेकर के बलिया तक हम लोगों ने मां गंगा के किनारे किनारे यात्रा निकाल करके व्यापक जन जागरण का कार्यक्रम किया था। बहनों और भाइयों, जैसे देश के अंदर सुरक्षा का वातावरण बना, लोग इसी उत्तर प्रदेश के लिए कहते थे क्या दंगा मुक्त हो पाएगा, आज तो उत्तर प्रदेश में दंगा मुक्त है, कोई दंगा नहीं, सुरक्षा का कोई खतरा नहीं, बेटी की सुरक्षा भी और व्यापारी की सुरक्षा भी, बेटी की सुरक्षा और व्यापारी की सुरक्षा, हर नागरिक की सुरक्षा। और हमने तय किया है, कोई सोचता था 5 वर्ष पहले तक
सात वर्ष पहले तक, दस वर्ष पहले तक कोई सोचता था कि कश्मीर में आतंकवाद समाप्त होगा, धारा 370 समाप्त होगी, लेकिन आज कश्मीर आतंकवाद और उग्रवाद से मुक्त है। कोई सोचता था पांच वर्ष पहले कि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन पाएगा? कोई सोचता था? बहन और भाइयों, आज सपना साकार हुआ है ना? कोई सोचता था कि उत्तर प्रदेश अपराधियों से मुक्त होगा? आज तो आप देखते होंगे, पहले व्यापारी और बेटी डरती थी स्कूल जाने से, व्यापारी व्यापार करने से डरता था, प्लान होता था, और आज बेटी और व्यापारी प्लान नहीं करते, आज अपराधी यूपी से प्लान करते हैं। यह जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन के बाहर मैं नहीं, आपका एक वोट है, एक वोट आपके वोट की कीमत है। ये हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं आपके बल पर कर पा रहे हैं, आपके वोट की कीमत पर कर पा रहे हैं, और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, मैं आपसे यही अपील करने के लिए आया हूं कि चंदन चौहान यह राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समर्थित प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में है। और मैंने बिजनौर में भी कहा था कि चंदन चौहान पे चंदन जरूर लगेगा, क्योंकि उनके पूज्य पिता श्री संजय चौहान जी भी यहां से सांसद भारतीय जनता पार्टी लोकदल के ही गठबंधन से बने थे, और एक सम्मानित परिवार के वारिस के नाते, विरासत को लेकर के चलने के नाते, चौधरी चरण सिंह जी की परंपरा के प्रति जिस अटूट निष्ठा के साथ वे कार्य कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के इस मित्रता के गठबंधन को आगे बढ़ाने के जिस साथ, जिस प्रतिबद्धता के साथ वे कार्य कर रहे हैं, भाजपा लोकदल, निषाद पार्टी, राजभर पार्टी, अपना दल, और उस हर व्यक्ति को जो विकास का पक्षधर है, सुरक्षा का पक्षधर है, विकसित भारत का पक्षधर है, उस सबसे मैं अपील करूंगा कि चंदन चौहान के माथे पर आपका वोट रूपी चंदन जरूर लगे। इस संदेश को घर घर तक पहुंचाने का कार्य करिए। बहनों और भाइयों, पहले चरण में ही आपका वोट होना है। 19 अप्रैल को पहले चरण में यहां से निकली हवा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मोदी जी के गले में 80 मनकों का हार डालने के लिए तैयार हो जाएगा। तैयार हैं आप सभी लोग? तैयार हैं, लेकिन ये तैयारी आपकी तभी पूरी होगी बहनों और भाइयों, ये तैयारी आपकी तभी मानी जाएगी जब चुनाव के दिन एक एक वोट को डालने के लिए आप धूप की परवाह के बगैर, बरसात की परवाह के बगैर एक दिन की छुट्टी अपना करेंगे कि नहीं, आज कोई कार्य नहीं, आज लोकतंत्र का पर्व होगा, और 19 अप्रैल को बिजनौर जनपद में लोकतंत्र के इस पर्व के साथ जुड़ते हुए आप सभी बिजनौर वासी, चांदपुर वासी इस विश्वास के साथ, संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे कि नहीं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इस संकल्प के साथ अगर चंदन लगाने के लिए आप निकलेंगे तो बहन और भाइयों, कोई कारण नहीं, कोई कारण नहीं कि मोदी जी को हम 80 मनकों की हार अकेले उत्तर प्रदेश से ही प्रदान कर देंगे। और संजोग भी बहुत अच्छा है, देखो संजोग भी, लोग कहते हैं समाधान का हल क्या, समस्या का हल क्या, तो हम कहते हैं कि राष्ट्रीय लोक दल का नल और भाजपा का कमल क्या है, राष्ट्रीय लोक दल का नल तो ये हैंडपंप
यहां का चुनाव चिन्ह होगा, क्या होगा? राष्ट्रीय लोकदल का चुनाव चिन्ह हैंड पंप। तो हैंड पंप को आपको वोट देना है, सबको बताएंगे ना, घर घर जाकर के बताएंगे। सभी लोग सहमत हैं? दोनों हाथ उठा करके मुझे बताइए, सभी लोग सहमत हैं? घर घर जाएंगे, चंदन चौहान बनकर के भाजपा लोकदल के प्रत्याशी को विजयी बनाने की अपील करेंगे, मतदान स्थल पर लोगों को लेकर के जाएंगे, तो फिर मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम।